नमस्कार, आज हम बात करेंगे डोनर एग के विषय में। डोनर एग की प्रक्रिया क्या होती है, किन महिलाओं को इनकी ज़रूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है। हर महिला के अंडाशय में जन्म से ही अंडों की मात्रा तय होती है जो कि फिक्स होती है। जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है, हर महावारी के साथ उसके कुछ अंडे खर्च हो जाते हैं और जब ये अंडे समाप्त हो जाते हैं तो महिला की महावारी बंद हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि 35 साल की उम्र के बाद महिला के अंडाशय में अंडों की संख्या बहुत तेज़ी से गिरती है और उनकी क्वालिटी भी बहुत तेज़ी से कम होती है। तो वो महिलाएं जिनकी महावारी बंद हो चुकी है, जो कि उम्रदराज हैं, या वो महिलाएं जो कि यंग हैं बट जिनके अंडे कम हो चुके हैं या क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, उनके लिए डोनर एग की प्रक्रिया एक वरदान की तरह है। डोनर एग की प्रक्रिया में हम उस डोनर का चुनाव करते हैं जिसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में होती है, जिसके बच्चे होते हैं यानी उसकी फर्टिलिटी प्रूवन होती है। डोनर एग की प्रक्रिया एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें डोनर जो कि अंडे देती है और रेसिपिएंट जो कि अंडे लेती है, दोनों की सहमति होती है और दोनों की आपस में पहचान गुप्त रखी जाती है। डोनर से अंडे लेके पेशेंट के हस्बैंड के शुक्राणुओं से मिला के हम भ्रूण बनाते हैं। वो भ्रूण हम पेशेंट के गर्भाशय में प्रत्यारोपित करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि डोनर एग की प्रक्रिया से वो महिलाएं जिनकी महावारी बंद हो चुकी है या वो यंग महिलाएं जिनके अंडों की क्वालिटी ख़राब है या अंडों की मात्रा कम है, संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त कर सकती हैं।